हेमंत ठुकराल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। अब जानने की कोशिश करेंगे कि आज बाजार पे जो 20 रुपए दबाव बना है उस पर क्या करना चाहिए, और आशीष कयाल साहब से भी जानेंगे कि अब तकनीकी रूप से बाजार कैसा लग रहा है। लेकिन बाजार पे डेफिनेटली जो आज बिकवाली है उसमें एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स लीड कर रहे हैं इस बिकवाली को। ऐसे में कौन सा एक ट्रेड है जहां पर आप फोकस करें कमाई का मौका? आज का सुपर शेयर देखते हैं। गुड मॉर्निंग सुमित, बताइए आज का सुपर शेयर कौन सा है? मॉर्निंग दीपाली, आज जो शेयर चुना गया है वो टेक्सटाइल स्पेस से है, सूर्यलक्ष्मी कॉटन को चुना है। कंपनी डेनिम कारोबार के अंदर है और देश की 5 टॉप डेनिम कंपनी जो है उसके अंदर कंपनी का नाम शुमार है। रैंगलर, लीवाइस, ली, जारा, जेसी पेनी, ये कुछ ऐसे बड़े नाम है जो कंपनी जिनके साथ कामकाज करती है, एसोसिएटेड है, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग क्लाइंटेल कंपनी ने मेंटेन भी किया है, और शायद इसी वजह से कंपनी के जो नंबर्स है वो भी अच्छे आते हैं कि हाई मार्जिन कारोबार में कंपनी कामकाज करती है, और दूसरा कैश फ्लोज भी काफ़ी साउंड है। इस तिमाही के अंदर भी एक अच्छे आंकड़े आने की उम्मीद है, करीब 20-30% के आसपास की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है मुनाफे फ्रंट पर, और ऑपरेशनल फ्रंट पर भी करीब 15-25% के आसपास की ग्रोथ ऑपरेटिंग मुनाफे में भी आ सकता है कि कंपनी ने अपने इनपुट कॉस्ट को ईज आउट किया है। इसके अलावा ऑपरेटिंग मार्जिन करीब 1-2% के आसपास बढ़ सकते हैं वाई बेसिस पर, तो एक अच्छे नंबर्स टेक्सटाइल स्पेस में वैसे भी आ रहे हैं और एक अच्छे नंबर्स की उम्मीद भी लगाई जा रही है। इसके अलावा कंपनी ने अपने इनपुट कॉस्ट की नए जो कैपेसिटीज एडिशन किया था उसका इंपैक्ट कंपनी के इनपुट कॉस्ट के ऊपर आ रहा है और वो कंपनी को बेनिफिट देके जा रहा है। साथ ही साथ सबसे अहम चीज़ ये भी है कि एक स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है कंपनी के पास, करीब 350 करोड़ रुपए की नकदी कंपनी के पास है, जबकि अगर इसकी मार्केट कैप पे नजर डाले तो वो भी इतनी ज़्यादा, मतलब इसी के आसपास ही, तो बहुत बड़ा अमाउंट कंपनी के पास बतौर नकदी कंपनी रखती है, इसीलिए 37 रुपए के आसपास ही कैश ईपीएस भी बैठती है। एक स्ट्रॉन्ग कैश ईपीएस के साथ कंपनी कामकाज कर रही है और डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड भी कंपनी ने स्ट्रॉन्गली मेंटेन कर रखा है। प्रमोटर एक अच्छी होल्डिंग रखते हैं कंपनी के अंदर, और वैल्यू वाइज भी देखें तो करीब करीब 25 रुपए की ईपीएस FY18 में और महज 5 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। बाजार की तेजी के में ऐसे शेयर निकलना बहुत मुश्किल होता है जो कि इतने कम मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, जबकि पूरा सेक्टर करीब 20-22 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है, ये शेयर महज 5 के मल्टीपल पे कामकाज करता हुआ। एक अच्छी वैल्यू है, एक अच्छा कैश है कंपनी के पास, डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड काफी स्ट्रॉन्ग है, और सबसे अहम चीज की एंटीक की एक रिपोर्ट को रिफर किया गया है, उनका मानना है कि अभी भी इस कंपनी बहुत ज्यादा पोटेंशियल अपसाइड बाकी है। 200 रुपए के टारगेट्स वो इस कंपनी के अंदर देख रहे हैं, 200 के टारगेट्स के लिए आप देख सकते हैं इस कंपनी को। चलिए, फिलहाल 5% की तेजी इस गिरते बाजार में सूर्य लक्ष्मी कॉटन ने डिलीवर किया, 147.65 यानी कि आप 5.3% का उछाल दिन के उच्चतम स्तर पे। सुमंत बात सही की, आज दिन थोड़ा ऐसा नहीं है कि इतना आसान है स्टॉक सिलेक्शन करना, पर फिर भी जो स्टॉक उन्होंने बताया वो दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड कर रहा है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए सुमित, और सूर्यलक्ष्मी कॉटन आज का सुपर शेयर, इस पर आप फोकस करें। हेमंत ठुकराल साहब, आशीष कयाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हेमंत जी, आशीष, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सर, सबसे पहले हेमंत जी बताएं, जो आज जो बिकवाली आई सर एक्सपायरी से ठीक एक दिन पहले, इसको कैसे देखा जाए और क्या इसकी उम्मीद थी, एक्सपायरी कहाँ कटेगी? देखिए, पहली बात ये कि एक्सपायरी मेरे ख्याल अभी भी ब्रॉड रेंज वही रहेगा, 85-80 मुझे नहीं लगता वी विल वायलेट, और अपसाइड पे शुरू से ही 87-30, 88-100 इज अ बिग रेजिस्टेंस, तो मोर ऑर लेस आई एम एक्सपेक्टिंग एक्सपायरी कल 86-50 और 87-30 के बीच में, तो मुझे नहीं लगता वी विल ब्रीच 86 वेरी इजिली। जहां तक नेक्स्ट मंथ की बात भी रह गई, तो अगर आप देखें 8500 पुट में ही सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट मंथ का बेस भी 8500 ही रहना चाहिए। जो आज आप बिकवाली देख रहे हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि बैंक निफ्टी में रोल ओवर्स बिलो एवरेज थे, लोग रिजल्ट्स की वेट कर रहे थे, 3 बड़े बैंकों के कल रिजल्ट आने थे, उसके रहते हुए आज प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। तो मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी के लिए सबसे अहम है कि 19500 का स्तर वो आज नहीं तोड़े, और वहां पे हमें देखना पड़ेगा कि वहां से रिबाउंड बैंक निफ्टी में आता है या कैसे ट्रीट होता है, बट निफ्टी आई एम वेरी श्योर आज 85-80 शुड बी अ गुड स्टॉप लॉस। जी, बैंकिंग स्टॉक्स नेगेटिव हैं आज के सेशन में हेमंत, आपने जैसे जिक्र भी किया, और इसमें सबसे ज्यादा जो स्टॉक नीचे मार्केट को ड्रैग कर रहा है वो है एक्सिस बैंक का। इनफैक्ट अक्टूबर 2015 के बाद इतनी बड़ी गिरावट स्टॉक में देखी जा रही है, और ट्रेडर्स सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी शेयर पर हैं आज के सेशन में। क्या ये वीकनेस यहां से और स्ट्रेच हो सकती है इस गिरावट के बावजूद भी? क्या कोई शॉर्ट ट्रेड लिया जा सकता है या फिर अवॉइड करना चाहिए? देखिए, जहां तक बैंक निफ्टी की बात रह गई, मैंने जैसे कहा बहुत ही अहम सपोर्ट के पास आ रहा है, तो 19500 बहुत ही अहम स्तर है। मैं शॉर्ट तभी जाने की सलाह दूंगा अगर 19500 के नीचे ट्रेड करने लगता है तो, या फिर वापस रिबाउंड करे 19800 के आसपास तो भी दोबारा एक बार शॉर्ट करने का देखा जा सकता है,
बिकॉज बहुत अहम सपोर्ट के पास है, तो मैं आज के लिए एक वेट करने की सलाह दूंगा। उसी प्रकार एक्सिस बैंक में भी मैं बोलना चाहूंगा कि 480 का पुट राइटर बहुत एक्टिव रहा है, 480 और 500 का, तो मेरे ख्याल एक्सिस बैंक भी आप एग्रेसिवली इस लेवल पे शॉर्ट नहीं करें और थोड़ा सा एक दिन के लिए वेट करें, क्योंकि मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिबाउंड एक्सिस बैंक में भी आ सकता है आज और कल के सेशन में। राइट हेमंत, लेकिन अब तैयारी करते हैं एक तो कल की एक्सपायरी की और फिर नेक्स्ट सीरीज की। क्या लगता है कौन से ऐसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं सर? देखिए, जहां तक नवंबर सीरीज की बात रह गई, मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा थोड़े स्टॉक्स में। मारुति एक ऐसा स्टॉक है जिसमें रोल ओवर्स बिलो अबव एवरेज हो रहे हैं, ऑलरेडी नेक्स्ट सीरीज की जाने की पूरी तैयारी हो रही है, वहां मुझे लगता है स्टॉक में पोजिशनली आप लॉन्ग जा सकते हैं। यू कैन हैव अ टारगेट ऑफ 5980 ऑन द सेम, तो मारुति मुझे बहुत स्ट्रांग लग रहा है। एक फार्मा में स्टॉक डॉक्टर रेड्डी, उसमें अब रोल ओवर्स बहुत एग्रेसिवली होने लग गए हैं, लॉन्ग रोल ओवर्स। मुझे ऐसे लगता है कि बॉटम आउट हो गया है डॉक्टर रेड्डी, इट इज हेडिंग टूवर्ड्स 3380-3400। तो लार्ज कैप्स में डॉक्टर रेड्डी और मारुति, इन पे आप नजर रख सकते हैं और लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। जी, दो स्टॉक्स अब देखिए निफ्टी 50 से ही जहां मजबूती और अब स्ट्रेच हुई, तो भारतीय एयरटेल अब 3.5% ऊपर ये दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। हालांकि निफ्टी ने भी रिकवर किया है लोअर लेवल से, 57 अंक नीचे हालांकि अभी भी है। एक भारतीय एयरटेल और दूसरा देखिए M&M फाइनेंशियल, यहां भी बाइंग और बड़ी है और दोनों पर ही नतीजों का असर है। M&M फाइनेंशियल भी अब डे हाई पर आ चुका है, मोर देन 4% के गेंस, ऑलमोस्ट 4.5% ऊपर 373 के लेवल्स पर। इनफैक्ट हेमंत, ये भारतीय एयरटेल M&M फाइनेंशियल पर जिस तरह की खरीदारी आज दिख रही है, ये क्या और बढ़ सकती है आगे भी? क्या करना चाहिए इन स्तरों पर दोनों शेयर्स में? देखिए, भारतीय एयरटेल एक सरप्राइज है मेरे हिसाब से, क्योंकि टेलीकॉम एज अ सेक्टर में कोई बहुत ज्यादा लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनती नजर आ रही थी, तो मेरे ख्याल भारतीय एयरटेल के रिजल्ट्स ने एक सरप्राइज दिया है, उसके रहते हुए आपको ये बाइंग देखने को मिल रही है और आज अच्छी लॉन्ग पोजीशंस भी बिल्ट अप हो रही है। भारतीय एयरटेल यहां से 340-345 का टारगेट देख सकता है, तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इट विल बी अ टॉप पिक इन टेलीकॉम सेक्टर नाउ। जो दूसरा आप स्टॉक की बात करें, वहां मुझे इतना सरप्राइज नहीं आया है, क्योंकि NBFCs में बाइंग पोजीशंस हैं और वो ही मेंटेन है। हालांकि मैं प्रेफरेंस दूंगा L&T फाइनेंस को, जिस तरह से लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, मेरे हिसाब से अगर वहां पे 99 का स्टॉप लॉस रखें तो 110-112 का टारगेट बनता है। बट डेफिनेटली NBFCs विल रिमेन इन फ्लेवर, वहां पे लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं, तो M&M फाइनेंस भी बाइंग रडार पे ही रहता है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस L&T फाइनेंस है। मेटल स्टॉक्स, टेक्सटाइल जिसमें अरविंद शामिल है, या फिर ऑयल एंड गैस जो इस स्पेस में इस बार इस सीरीज के लिए काफी स्ट्रांग बढ़त देखने को मिली। ऑयल एंड गैस स्पेस में तो कमाल हो गया इस बार इस सीरीज में, काफी स्ट्रांग ऐसे थे जहां पर स्ट्रांग रिटर्न्स डिलीवर हुए। सर हेमंत जी, अगर इन स्पेस से मेटल्स, ऑयल एंड गैस या फिर टेक्सटाइल्स को चुनना हो तो कोई स्टॉक चुनेंगे आप? देखिए, जहां तक मेटल्स की बात रह गई, उसमें मैं एक स्टॉक जरूर हाईलाइट करना चाहूंगा, वेदांता। मुझे ऐसे लगता है कि स्टॉक में बाइंग अप देखने को मिल रही है और स्टॉक में बहुत अहम बात यह है कि 200 का पुट राइटर बहुत एक्टिव हो रहा है नेक्स्ट सीरीज में भी, तो मेरे हिसाब से 197 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए और मुझे लगता है 212-213 का स्तर देखने को मिल सकता है। जहां तक रह गई बात टेक्सटाइल्स की, मेरे ख्याल अरविंद में काफी एक बड़ा मूव देखने को मिला है कल, मैं उसमें थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि किस तरह से एग्रेसिव पोजीशंस बनती हैं आगे जाकर वो इम्पोर्टेंट है। बट उसी क्षेत्र में एक और स्टॉक है सेंचुरी टेक्सटाइल, जिस पे मैं जरूर बताना चाहूंगा कि रोल ओवर्स बहुत एग्रेसिव हो रहे हैं। मेरे हिसाब से स्टॉक अगर अब 880 का आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो टारगेट 950 का बन सकता है। शुक्रिया हेमंत आपका शामिल होने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपने कमेंट्स रखने के लिए। लेकिन अब यहां से सीधे रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, दिवाली स्पेशल। और दिवाली स्पेशल में बात करने के लिए आज मिस्टर हेमंत कानावाला हमारे साथ मौजूद हैं, हेड हैं इक्विटीज के कोटक लाइफ इंश्योरेंस के। हेमंत जी नमस्कार, शुक्रिया आपका समय देने के लिए और जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। दो सवाल होंगे आपसे, पहला तो ये कि अब नियर टर्म में जो कंसोलिडेशन मार्केट्स में दिख रहा है, क्या ये यहाँ से और स्ट्रेच होगा? और दूसरा सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें ज्यादातर व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि पिछली दिवाली से इस दिवाली तक का जो परफॉर्मेंस रहा मार्केट का, वो काफी वॉलेटाइल रहा, लेकिन अंत में 8-10% के रिटर्न इंडेक्स की ओर से आ गए।
इस दिवाली से नेक्स्ट दिवाली कौन से ट्रिगर्स होंगे मार्केट्स के लिए इम्पोर्टेंट, और किस तरह का मोमेंटम आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कैसे रिटर्न्स आ सकते हैं? नमस्कार और सभी दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं। जैसे कि आपने बताया कि मार्केट्स लास्ट दिवाली से इस दिवाली तक यू नो वॉलेटाइल रहा, बट यू नो रिटर्न पॉजिटिव रहे हैं। मेन वजह उसकी ये है कि एफआई का जो सेलिंग चल रहा था इमर्जिंग में, वो फेब्रुआरी से उसका ध्यान चेंज हुआ है, और ब्रेग्जिट इवेंट होने के बाद डेवलप मार्केट्स हैं जो यूरोप के मेनली हैं, वहाँ से पैसे निकल के इमर्जिंग मार्केट्स में वापस आना शुरू हुए। जो ट्रेंड अभी अर्निंग्स की यू नो रिकवरी की एक्सपेक्टेशन में आ रहे हैं, तो यहाँ से बहुत ज़रूरी है कि अर्निंग्स जो है में सुधारा दिखे, क्योंकि पी री रेटिंग हो चुका है, जिससे वैल्यूएशन आज के अर्निंग्स के एस्टिमेट में थोड़े महंगे लग रहे हैं। बट अगर अर्निंग्स रिकवरी दिखे जो शायद अगले क्वार्टर से दिखे, इस क्वार्टर में लास्ट दो क्वार्टर से आप देखें तो इंडिया में अर्निंग्स डाउनग्रेड्स बंद हो गए। तो पहले लास्ट उसके पहले आठ क्वार्टर से ये हो रहा था कि एवरी क्वार्टर के बाद यू नो अर्निंग एस्टिमेट नीचे जा रहे थे, और आप देखें तो 2014 से 2016 में अर्निंग्स ग्रोथ थी ही नहीं। अभी एटलीस्ट अभी अर्निंग्स डाउनग्रेड कम हो गए, बट अर्निंग्स ग्रोथ अभी तक दिख नहीं रहा है। जिसकी एक्सपेक्टेशन है उसकी वजह से पी बढ़ गए हैं, पर आगे चलते वो अर्निंग्स दिखने चाहिए जो दिसंबर क्वार्टर से यू नो उस पर ध्यान रहेगा इन्वेस्टर का। अगर वो आए तो यहाँ से भी यू नो पॉजिटिव रिटर्न बन सकते हैं। राइट सर, लेकिन अब ये इंटरनेशनल ट्रिगर्स कितना डोमिनेटिंग फैक्टर होगा इंडियन मार्केट्स के लिए, स्पेशली यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस, फेड की पॉलिसी बैठक, ये दो मेन ट्रिगर्स तो हैं ही। क्रूड निश्लेषकों से बहुत स्ट्रांगली पुल बैक शो कर रहा है, ऐसे में सेंसेक्स निफ्टी की फेयर वैल्यू कहाँ देखते हैं? देखिए अब यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन की बात है, वो सब नियर टर्म इवेंट है। एक तो मैं पहले एक बोलना चाहूँगा, बात ध्यान में लाना चाहूँगा कि इन्वेस्टर्स को इक्विटी में एक साल के नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। जब हम भी इस चैनल में बात करते हैं कि अगली दिवाली पे क्या होगा, तो इन्वेस्टर को लगता है कि एक साल में ही पैसा बनना जरूरी है। कई बार जैसे लास्ट ईयर था कि यू नो काफ़ी पैसिमिज्म था, तो वहाँ से बन सकते हैं, बट कई बार यू नो एक साल में बनना मुश्किल होता है, क्योंकि कुछ इवेंट्स ऐसी हो जाती है जो हम लोग देख नहीं सकते और जिसका मार्केट पे काफ़ी प्रेशर आ सकता है। तो पहली बात तो ये है कि इन्वेस्टर को यू नो तीन से पाँच साल के व्यू से ही इन्वेस्ट करना चाहिए। अगली दिवाली में बन सकते हैं ना भी बने कई बार, बट उसमें उससे इन्वेस्टर को डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए, बट अपना इन्वेस्टमेंट कायम रखना चाहिए। बट आप जैसे आपने ट्रिगर बात की, तो यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन की तो नियर टर्म इम्पैक्ट होती है, पास्ट में देखेंगे उससे मार्केट का दौर कभी बदलता नहीं है। सो क्योंकि नए प्रेसिडेंट आएंगे, वो अपनी पॉलिसी बदलेंगे, और सब प्रेसिडेंट आखिर में तो ग्रोथ की ही बात करेंगे। यू नो कोई भी प्रेसिडेंट ऐसा नहीं होगा जो, और नई गवर्नमेंट ऐसी नहीं होगी जो बोलेंगे कि मुझे ग्रोथ नहीं चाहिए। तो वो एक नियर टर्म अनसर्टेनिटी है जो नवंबर में ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद जो इवेंट है वो फेड हाइक की है, जिसकी इम्पैक्ट एक्चुअली बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा होती है, इक्विटीज पे कम होती है। तो अगेन वो भी नियर टर्म वोलेटिलिटी क्रिएट करता है, बट अगर ऐसा इन्वेस्टर का मानना है कि फेड इसलिए रेट बढ़ाएंगी क्योंकि उन लोग को ग्रोथ अच्छा दिख रहा है, तो वो सभी इमर्जिंग मार्केट के लिए अच्छा होता है, क्योंकि यूएसए आज सभी कंट्रीज के लिए एक बड़ा एक्सपोर्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, और अगर यूएस इकोनॉमी अच्छी होती है तो सभी कंट्रीज को फ़ायदा होता है। तो वो भी एक नियर टर्म इवेंट है जिसका यू नो, और जैसे अभी तो रेट बढ़ना शुरू है तो उसका बहुत असर नहीं होगा मार्केट पे, तो इसलिए ये दोनों इवेंट वॉलिडिटी कर सकते हैं। तीसरी जो बात आपने बताई कमोडिटीज की, उधर भी अभी यू नो जब तक क्रूड $60 के नीचे रहता है तब तक ये अंदाज ऐसा है कि इंडिया की फिस्कल डेफिसिट में इतना यू नो परेशानी नहीं होगी, गवर्नमेंट उतना यू नो प्राइस हाइक कंज्यूमर को पास ऑन कर पाएंगे, तो वहां तक अगर होता है तो वो भी यू नो ग्लोबल ग्रोथ के लिए अच्छा है, और इसलिए मार्केट्स के लिए भी वो भी एक अच्छा ही माना जाएगा। जी हेमंत जी, ये सेक्टोरल थीम्स अभी क्या हो सकती हैं, यहाँ से कुछ सेक्टर्स जिन पर आपका बुलिश भी हो? तो दो, एक थीम जो काफी टाइम से हमें अच्छा लगता है वो है कंजम्पशन, जिसमें जो यू नो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जो हम बोलेंगे, जो आदमी अपनी चॉइस से लेता है, यू नो जो इकोनॉमी डाउन होने की वजह से उनको डिफर किया था, जैसे ऑटोमोबाइल्स है और होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट है, वो हमें अभी भी अच्छे लगते हैं। वैल्यूएशंस थोड़े महंगे हो गए हैं वहाँ पे, बट अभी भी मीडियम टर्म देखें तो वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल, इसलिए वो सेगमेंट अच्छा लग रहा है। दूसरी सेगमेंट है बैंकिंग, क्योंकि इंटरेस्ट रेट घटने की वजह से
उनको जो असेट क्वालिटी का एक बड़ा प्रॉब्लम था उसमें सुधार की उम्मीद है और वहाँ से बैंकिंग सेक्टर को फ़ायदा होगा, तो बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है। और तीसरा सेक्टर जो यू नो अभी इसमें इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रही है, बट वो इन्वेस्टमेंट साइड और इंडस्ट्रियल साइड, जहाँ पे हमारा मानना है कि जो गवर्नमेंट ने लास्ट दो साल में कैपेक्स अनाउंसमेंट किए हैं उसका एग्जीक्यूशन हमें नेक्स्ट ईयर में दिखेगा, उसकी वजह से इंडस्ट्रियल कंपनीज़ की यू नो बैलेंस शीट सुधारे पे होगी, ऐसा हमारा मानना है। तो ये तीन सेक्टर है जो इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए सर, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जो दो सेक्टर काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन करे गए हैं बीते एक साल में, वो है ऑयल एंड गैस स्पेस और मेटल्स, क्या यहाँ पर बुलिश हैं आप? ऑयल एंड गैस में, बट ऑयल एंड गैस में हम सिलेक्टिवली बुलिश हैं, जैसे कि अपस्ट्रीम कंपनीज हैं जैसे कि जो ऑयल बना दी, वहाँ पे अभी भी सब्सिडी का पूरी क्लैरिटी नहीं है और ऑयल के दाम जैसे कमी है यू नो $50 भी उनके लिए, तो उनका मुनाफा प्रेशर में रह सकते हैं, इसलिए वहाँ पे नहीं है। बट अगर आप देखें कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और गैस कंपनीज है, वो दोनों में हमें लगता है कि थीम बरकरार है, उनकी अर्निंग्स इंप्रूवमेंट होंगी और पी रेटिंग का भी उनमें पोटेंशियल है, तो वो सेगमेंट हमें अच्छी लगती है। बट तो वहाँ पे पूरे सेक्टर पे हम लोग पॉजिटिव नहीं है, बट सेलेक्टिवली उसमें जो सब सेगमेंट्स हैं वहाँ पे हमारा यू नो अंदाज़ा बुलिश है। कमोडिटीज़ में ऐसा है कि नियर टर्म तो अच्छा लग रहा है, बट वहाँ पे चाइना काफ़ी इम्पोर्टेंट वेरिएबल है, अगर चाइनीज़ इकोनॉमी में कहीं पर भी कुछ घटड़ आता है तो कमोडिटी स्टॉक्स पर ज़्यादा प्रेशर आ सकता है, तो उस वजह से वहाँ पे इन्वेस्टमेंट व्यू बनाना मुश्किल है, वहाँ पे इन्वेस्टर्स को टैक्टिकली खेलना पड़ता है। एज ऑफ नाउ नियर टर्म ऐसा लग रहा है कि कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं है और यू नो मेटल्स के प्राइसेस बढ़ सकते हैं, तो टैक्टिकली वो उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट 3-5 साल का व्यू लेना उस सेक्टर पे मुश्किल है। जी शुक्रिया हेमंत जी, समय दिया आपने जी बिजनेस को। तो कई सारी सेक्टर प्रेफरेंसेस यहाँ पर बताई हैं हेमंत जी ने, जो कि अगले एक साल में अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। अब एक और मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मिस्टर केकी मिस्त्री हमारे साथ हैं, वीसी और सीईओ एचडीएफसी लिमिटेड के। मिस्टर मिस्त्री, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी शो, और जी बिजनेस की पूरी टीम की ओर से दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। सर, जो पिछला एक साल रहा वो भारत की इकोनॉमी के लिए काफी अच्छा रहा, काफी बदलाव भी हुए, रिफॉर्म फ्रंट पर भी काफी कदम उठाए गए, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि नेक्स्ट दिवाली तक इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैसी देख रहे हैं? I think India is poised for a very strong recovery. My sense is that we will see growth in our GDP numbers over the next 2-3 years on a continuous basis. I think the foundation has been well laid now, and I would strongly believe that in the next 6-9 months we will see a big pickup in the investment cycle amongst the private sector companies, and that itself will create so much of positivity in the minds of people that my sense is that markets will grow even higher in the coming year. लेकिन सर, जो मौजूदा इंटरेस्ट रेट सिनेरियो है उसमें क्या ग्राहकों के लिए घर खरीदने का सही मौका है, और क्या आपको लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में हाउसिंग लोन डिमांड में सुधार देखने को मिल सकता है? In my view it is always a good time to buy a house. If you're buying a house for your own occupation or for your own residence, buying a house is one of the most important decisions you make in your lifetime. And in many of the tier 2 towns, tier 3 towns, and in the outskirts of big cities, we have seen continuous demand for housing and therefore housing loans in the last 6-9 months. And my sense is, given the market, given where things are, given my expectation that the growth in the economy will be very strong in the coming years, I would expect more buoyancy to come into the real estate market. Yes, there are pockets in the country where there is some pressure on prices, where there is an oversupply, but we've seen this happen in the past also. We've seen periods of time, for example 2008, 2009, when everything in India looked very, very negative, very bad, and then we saw that in second half of 2009 the economy bounced back, markets grew, companies gave huge bonuses, and we saw a big rally in property prices. जी, इनफैक्ट मिस्टर मिस्त्री, लो डिमांड एक कंसर्न रहा है पूरे ही रियल्टी स्पेस के लिए, और पिछले कुछ समय में डिमांड थोड़ी सी इम्प्रूव हुई भी है, और जो प्राइसेस हैं जिस तरह से आपने भी खुद मेंशन किया, वो प्राइसेस भी नीचे आए हैं, लेकिन अभी भी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो रही है डिमांड के लिहाज से। तो ऐसे में क्या जो प्राइसेस हैं घरों के, या फिर जो रियल्टी स्पेस में जो प्राइसेस हैं, क्या वो और नीचे आने की भी संभावना नजर आ रही है?
See, India is such a large country that it's very difficult to give a number on where real estate prices will go. But if you take an average across the country, my sense is that real estate prices will move in line with inflation. We have seen inflation come off substantially from those very high levels that we used to have a couple of years ago. And therefore, I would also expect that on a generalized basis, house prices would also move in line with inflation. जी, ये रेट कट सिनेरियो यहां से अगले एक साल में मिस्टर मिस्त्री आपको कैसा लग रहा है? Interest rates at this point of time look set for perhaps going even further lower. One will have to wait a little bit to see what Fed does, what happens in the US elections. So there may be certain overseas factors which may influence interest rates in the coming 6 to 12 months. But my sense is the good monsoons that we've had in the current year, coupled with the fact that there is generally a great sense of reduction in prices that we've seen, my sense is inflation is going to be trending downwards to flattish. जी, शुक्रिया मिस्टर मिस्त्री, आपने समय दिया जी बिजनेस को और बातचीत